द लाफिंग एपिडेमिक, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें लोग बिना किसी वजह के हंसने लगते हैं। और यही नहीं, वो कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि कुछ महीनों से सालों तक ऐसे ही हंसते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो फैक्टिन चैनल, और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जवाब आज तक साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बात शुरू होती है अफ्रीका के तांगानिका देश से। दिन था 31 जनवरी और साल था 1962। तांगानिका के कशाशा गांव के एक बोर्डिंग स्कूल में अचानक एक रहस्यमय तरीके से एक बीमारी फैलने लगी, जो बड़ी ही अजीब किस्म की बीमारी थी। ऐसी बीमारी जिसमें लोग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते। शुरुआत में इस बीमारी ने इस स्कूल की 3 लड़कियों को अपनी चपेट में लिया, जो अचानक से बेवजह ही जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद देखते ही देखते ये बीमारी पूरे स्कूल में फैलने लगी, जिसके चलते एक एक करके सभी बच्चे इस बीमारी के चपेट में आने लगे। आपको बात थोड़ी फनी जरूर लग सकती है, पर क्या आपको पता है इस बीमारी से कई बच्चों की मौत भी हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि लगातार हंसने से बच्चों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते उनकी मौत होने लगी। ताज्जुब की बात तो यह थी कि ये बीमारी शुरुआत में सिर्फ बच्चों पर ही असर कर रही थी, क्योंकि इस बीमारी से स्कूल के टीचर और कर्मचारी पर कोई असर नहीं दिख रहा था। इसके बाद इस बीमारी पर काफी रिसर्च की गई और वैज्ञानिक ने इसके बारे में कई एक्सप्लेनेशन दिए। जैसे क्रिश्चियन एफ एम्पलमैन ने इस बीमारी के बारे में ये बताया कि बच्चों के ज्यादा तनाव लेने की वजह से ये बीमारी उनके शरीर में खुद उनके दिमाग ने ही पैदा करती थी। और बच्चों से पूछने पर उन्होंने भी यही बताया कि उनके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीद थी, जिस वजह से वो तनाव में आ गए थे। बीमारी को पूरी तरह खत्म होने में लगभग 18 महीने लगे। वैसे तो इस बीमारी पर कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए, पर आज तक कोई भी इस बीमारी की असली वजह नहीं जान पाया है। असल में सच बात तो यह है, इस बीमारी का अचानक ऐसे फैलना आज तक रहस्य बना हुआ है, जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।